है गाइस नमस्कार। लेक्चर 3 है प्रोडक्शन कलेक्शन कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क के बारे में, जिसमें पार्ट 1 का सब टॉपिक था मिल्क प्रोडक्शन एंड कूलिंग, मिल्क कलेक्शन सिस्टम, टाइप ऑफ मिल्क कलेक्शन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्ट सिस्टम, कंट्रैक्टर सिस्टम, एजेंट सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम, चिलिंग सेंटर, बल्क मिल्क, कूलिंग सेंटर के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 3 का पार्ट 2 में, जिसका सब टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, एडवांटेजेस ऑफ टैंकर ओवर कैंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सब टॉपिक है हेड लोड, शोल्डर स्लिंग, बल्क कार्ट, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर ट्रक्स एंड रेल टैंकर। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे मिल्क प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मिल्क का इकट्ठा करना, यानी कि मिल्क को खरीद कर इकट्ठा करना और उसमें जो परेशानियां होते हैं उनको समझेंगे। तो हम छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे समस्याएं झेलना पड़ते हैं, अगर लेडीज के साथ जाते हैं तो और भी। समझ रहे हो ना बात को? जैसे मार्केट में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट का क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं और पेरिसेबल है या फिर नॉन पेरिसेबल। या अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना होता है तो वो पेरिसेबल फ्रूट्स लेते हैं, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं उस प्रकार के। जैसे बनाना, बनाना क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के अंदर वो फिर गलने लगते हैं। तो इस तरीके से जल्दी खराब होने वाले मटेरियल होते हैं उसको पेरिसेबल नेचर ऑफ कमोडिटी बोलते हैं, यानी कि वो जल्द खराब होने वाले चीजें होते हैं। तो ये सारे ध्यान में रखते हुए हम लोग मार्केटिंग करते हैं और मार्केट में जाने के बाद वहाँ पे प्रोडक्ट देखने के बाद अलग अलग दुकान में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग रेट बताए जाएंगे सेम ही प्रोडक्ट का, यानी कि एक प्रोडक्ट का अलग अलग दुकानों में अलग अलग दाम मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और लगता है कि अपने अनुसार उस प्रोडक्ट का रेट तय करते हैं कि हाँ हम यहाँ तक खरीद सकते हैं, यानी कि इस रेंज तक हम खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं, बार्गेनिंग बोल देते हैं। अगर उस बार्गेनिंग में हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि मतलब हाँ वो दुकानदार इतना तक हमें देता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीद लेते हैं, वरना वहाँ पे जय श्री राम बोलकर आसानी से निकल लेते हैं। ठीक इस तरह से हम जब मिल्क की बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है मिल्क है, मिल्क खरीदने समय बहुत सारे समस्या को झेलना पड़ता है क्योंकि मिल्क जो है वो पेरिसेबल नेचर है, यानी कि जल्दी खराब हो जाता है। इसका सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होता है, 3-4 घंटे, यानी कि जब मिल्क सेक्रेशन कराया जाता है मेमरी ग्लैंड से तो उसके बाद 4 घंटा हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी से ग्रो होते रहते हैं और ग्रो होने के बाद वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो यानी कि जो मिल्क है वो पेरिसेबल नेचर है, यानी कि बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। और ये खराब होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर जिस वेसल में या फिर जिस वेसल द्वारा मेमरी ग्लैंड से दूध को सेक्रेट करते हैं, या फिर जिस कैन में हम लोग रखते हैं, या फिर जानवरों को मिल्क सेक्रेट करते समय उसका अडर ग्लैंड को सही से वॉश नहीं किया तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया रह जाते हैं और बैक्टीरिया रहने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं, इससे मिल्क क्या हो जाता है, खराब हो सकता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्लक्चुएशन इन मिल्क आउटपुट बेस्ड ऑन सीजन, यानी कि सीजन में क्या होता है कि जैसे जैसे सीजन में बदलाव आते जाते हैं मिल्क का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाता है। यानी कि सीजन में कभी कभी सीजन में क्या होता है, अगर मतलब गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ठंड हो गया, तो ये तीनों सीजन में अगर देखोगे तो मिल्क फैट में बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सारे मतलब जितने भी उनमें मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो उनमें सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो जब भी हम लोग दूध खरीदते हैं तो डेयरी खरीदता है तो वहाँ पे क्वालिटी चेक करता है और क्वालिटी में बहुत सारे वेरिएंस आ जाते हैं, खरीदने में दिक्कत हो जाते हैं। किसान क्या कहेगा, जो मिल्क फार्मर है वो क्या कहेगा, अरे सेम तो दूध है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें पानी थोड़ी नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खरीदने में समस्या हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट यह है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स मेंबर एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस एंड शेयरिंग ऑफ इनपुट्स। अब देखो तीसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे मान के चलो कोई मिल्क फार्मर है और मिल्क फार्मर है जो छोटे छोटे फार्मर हैं या फिर डेयरी है और उससे मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ है,
या फिर सोसाइटी से नहीं जुड़ा हुआ कोई डायरेक्ट बेचता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैश फ्लो में भी दिक्कत हो जाते हैं। कोई कोई होता है कि मतलब तुरंत खरीदा और वहाँ पे कैश पे कर दिया, तो उसको किसान जल्दी से दे देता है। और डेयरी वाले अगर मतलब लेने जाते हैं तो लेट से, मतलब क्योंकि डेयरी वाले जो होते हैं उसका प्रोसेस से कैश पेमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये सारी दिक्कतें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक कूलिंग एट विलेज लेवल, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ड्यू टू दिस अबाउट 2 to 5% ऑफ मिल्क रिसीव्ड इज सीओवी पॉजिटिव, स्पेशली इन समर। यहाँ पे सीओवी का फुल फॉर्म होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो मिल्क तो सेक्रेट किया, और सेक्रेट करने के बाद अगर मान के चलो वहां पे रोड फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर डेयरी प्लांट से जो कलेक्शन करते हैं सोसाइटी जो कलेक्ट करता है, वहां पे कलेक्ट करने के बाद कुछ देर तक स्टे कर रहे, तो वहां पे क्या होता है कि अगर वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ मिल्क को कूलिंग करने का, तो क्या होगा वहां पे मिल्क खराब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से 2 से 5% तक जो मिल्क रिसीव्ड होता है वो क्या होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट पॉजिटिव मिला जाता है। यानी कि क्या होता है कि वहाँ पे जब सीओवी टेस्ट किया जाता है तो उसमें एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिससे मतलब दूध में जमने लगते हैं। विलेज लेवल पे क्या होता है कि कूलिंग मशीन अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन, अगर मतलब कूलिंग मशीन है तो वहाँ पे सही से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या होगा वहां सही से कूलिंग नहीं हो पाएगा और मिल्क में जो सीओवी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मशीन भी अवेलेबल नहीं होते हैं, स्टोर करने का कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुअरली डेवलप्ड रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉज अनड्यू डिले इन मिल्क प्रोक्योरमेंट। अगर मान के चलो मिल्क खरीदा भी किया, तो मिल्क खरीदाने के बाद क्या हो गया अगर मतलब वहां पे सही कंडीशन रोड का नहीं है, या फिर रोड वहां पे है ही नहीं, और जैसे अभी बरसात चल रहा है तो बरसात में क्या होगा वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत ही घटिया हो जाएगा, और वहाँ पे ना चाहते हुए भी लेट हो जाएगा। लेट होने के बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे जो पहले पड़ चुके हैं वो कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ चिलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज हाई। अगर मान के चलो कोई किसान है वो मतलब मिल्क का फार्मिंग कर रहा है, और वो खुद ही मतलब चिलिंग करने का या फिर कूलिंग करने का सिस्टम लगा रखा है, और वो फिर चिलिंग कूलिंग करने के बाद वो बेचता है, तो उसका क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा और टाइम भी लगेगा, तो उसमें क्या होगा उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अगर वो सारा कुछ मेंटेन करके अगर बेचता है तो उसका लॉस में चला जाएगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स आर मोर स्पेसिफिक टू हिली रीजन, ड्रॉट्स प्रोन एरियाज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और ये सबसे ज्यादा कठिनाइयां उन जगहों पे, अगर वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है वहां से कलेक्ट करना होगा, तो बहुत सारे परेशानियां का झेलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनहेल्दी कंपटीशन अमंग वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन अगर एजेंसीज इंगेस्ट इन मिल्क प्रोक्योरमेंट। और ये भी मिल्क प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम होता है कि अगर जहाँ पे फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे वेंडर के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो मिल्क प्रोक्योरमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है वन मस्ट कंसिडर द अवेबिलिटी ऑफ मिल्क रोड एक्सेस द मिल्क कलेक्शन पॉइंट एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ द डेयरी प्लांट। इसका मतलब है कि अगर मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, डेली ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो सबसे पहले मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले एक बार वहां पे पता कर लेना चाहिए कि वहां पे मिल्क अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कारण से मतलब अगर वहां पे त्योहार आ गए, तो त्योहार के कारण मिल्क फार्मर जो होते हैं वो बेचते नहीं, वहीं पे इकट्ठे करके मतलब अपने त्योहार का उत्सव मनाने लगते हैं, तो वहां पे अवेबिलिटी ऑफ मिल्क डिक्रीज हो जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो इसके कारण सबसे पहले मिल्क को ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले हम लोगों को कंटेक्ट कर लेना चाहिए कि वहाँ पे मिल्क अवेलेबल है या नहीं। दूसरे पार्ट जहाँ पे गांव वाले इकट्ठे होके मिल्क फार्मर इकट्ठा होके जहाँ पे मिल्क का कलेक्शन करते हैं वहाँ से लेकर डेयरी प्लांट तक रोड कनेक्टेड है या नहीं, और
डेयरी प्लांट से मिल्क कलेक्शन पॉइंट तक कितना दूरी है, ये हम लोग का जानकारी ले लेना चाहिए मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के समय। सेकेंड पॉइंट है, द कलेक्टेड मिल्क इज जनरली फिल्ड इन कैंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन टू द चिलिंग सेंटर और डायरेक्टली टू द मिल्क प्लांट। और मिल्क कलेक्शन पॉइंट से अगर मिल्क कलेक्ट करने के बाद कैंस में भरा जाता है, मोटर्स टैंक्स होता है या फिर बड़े बड़े टैंक होते हैं उसमें भरा जाता है, यानी कि वहां पे व्हीकल आते हैं उस पे रख के या तो डायरी में पहुंचाया जाता है फिर चिलिंग सेंटर पे पहुंचाया जाता है, ताकि वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक वहां पे स्टोर करके रख सके 2-3 दिन तक। ठीक है, पॉइंट है, मिल्क मस्ट बी ब्रॉट टू द चिलिंग और डेयरी प्लांट विद इन 3 आवर्स ऑफ मिल्किंग, यानी कि जानवरों से मिल्क निकालने के बाद 2-3 घंटे के अंदर चिलिंग सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि वहां पे मिल्क में सीओबी नहीं बढ़े और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुए और किसी प्रकार के डिफेक्ट नहीं आए मिल्क में, इसलिए चिलिंग सेंटर पे पहुंचाया जाता है ताकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मिल्क शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द डेयरीज अंडर चिल्ड कंडीशन लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे कि मैंने पिछले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया, ताकि चिलिंग सेंटर में इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, और जब चिलिंग सेंटर से ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए डेयरी प्लांट में, और उस समय क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, जो भी टैंकर से डेयरी प्लांट तक पहुंचा जाता है चिलिंग सेंटर से या फिर मिल्क कलेक्शन पॉइंट से, उस टैंकर वो जो टैंकर होता है वो इंसुलेटेड होता है, जो कैंस होता है इंसुलेटेड होता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो जाता, बाहर का टेम्परेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर का जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इंडिया रॉ मिल्क कलेक्टेड एट वेरियस कलेक्शन सेंटर इन द रूरल एरियाज इज डिस्पैच टू द डेयरी प्लांट इन 2 वेज, फर्स्ट ट्रांसपोर्टिंग मिल्क थ्रू कैंस, सेकेंड ट्रांसपोर्टिंग मिल्क थ्रू टैंकर्स। यहाँ पे बोलता है कि इंडिया में बहुत सारे रॉ मिल्क जो है वो अलग अलग कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट किए जाते हैं और उस रूरल एरिया में से डेयरी प्लांट तक पहुंचाया जाता है 2 तरीके से। पहला तरीका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टिंग मिल्क थ्रू कैंस, यानी कि मिल्क कलेक्शन सिस्टम से वहां पे कैंस रखा जाता है और मिल्क कलेक्शन सेंटर पे कैंस रखा जाता है और उस कैंस में फार्मर से कलेक्ट करके उसका क्वांटिटी मेजर करके उसको क्वांटिटी को मेजर करके उसका अमाउंट देकर ले लिया जाता है और उससे टैंक में रख दिया जाता है, और फिर जब वहां पे मोटर वगैरह जब आते हैं गाड़ी वगैरह उसमें कैंस को डायरेक्ट रखते हैं, या तो चिलिंग सेंटर लेके जाते हैं या फिर डेयरी प्लांट में लेकर जाते हैं। तो पहला पॉइंट था ट्रांसपोर्टिंग मिल्क थ्रू कैंस। ठीक है, अब सेकेंड है ट्रांसपोर्टिंग मिल्क थ्रू टैंकर्स, यानी कि ज्यादा मात्रा में, जैसे 2,000 लीटर 10,000 लीटर मिल्क स्टोर हो चुका है, तो वहां से 2,000 लीटर से लेकर अगर 10,000 लीटर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या हम अगर मतलब कैन से जिस तरीके से 2-4 लीटर या 10 लीटर का कैंस में अगर भर भर के लेके जाएं तो हमें कितना कॉस्टली पड़ सकता है, तो इसलिए अगर 2,000 से लेकर 10,000 लीटर तक ट्रांसपोर्ट करना रहता तो हम लोग या तो ट्रक व्हीकल्स का टैंकर जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर अगर इससे भी ज्यादा अमाउंट रहता है तो हम लोग रेल टैंकर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो छोटे अमाउंट के लिए होता है और ट्रांसपोर्टिंग मिल थ्रू टैंकर्स जो होता है बड़े अमाउंट में होता है, और ये पेरिसेबल मैटर जैसे मतलब मिल्क बटर मिल्क या फिर अदर पेरिसेबल डेयरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो भी हम लोग टैंकर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कंपेरिजन आ गया है कि एडवांटेज ऑफ टैंकर ओवर कैंस, कैन में ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा फायदा टैंकर्स में क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो टैंकर में है वो एक बार मतलब लोड किया और वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट प्लांट में जाएगा, तो ये तरीका जो है ये बहुत आसानी से हो जाता है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट किया डायरेक्ट डेयरी प्लांट में चल गया, कोई भी चिलिंग सेंटर पे मतलब खाली करो फिर से टैंकर में भरो तो ये मतलब कॉस्टली हो जाता है। सेकेंड है लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर लीटर, यानी कि जो टैंकर में जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट जो होता है यानी कि जो चार्जेज होते हैं वो लो हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा
मात्रा में अटते हैं, इसलिए कैंस जो है वहां पे डिसएडवांटेजियस हो जाता है टैंकर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है बेटर टेम्परेचर कंट्रोल। और कैंस में हो क्या होता है कि हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर मेंटेन ना हो जितना टैंकर में मेंटेन रखता है, क्योंकि टैंकर जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है और उसका इंसुलेशन बहुत ही अच्छे खासे से किया जाता है और उसका कवरिंग जो होता है यानी कि लॉक वगैरह जो होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। नेक्स्ट है लेस रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन। और जो बड़े जो टैंकर होता है उसमें कंटेमिनेशन का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एंड लेबर सेविंग। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान के चलो मिल्क कलेक्शन सेंटर पे कैंस में हम कलेक्ट करते हैं, कैंस को हम कहाँ पहुँचाएंगे, चिलिंग सेंटर पे पहुँचाएंगे, चिलिंग सेंटर में फिर डेयरी प्लांट में। अगर मिल्क कलेक्शन सेंटर पे डायरेक्ट टैंकर पे किया तो वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, डेयरी प्लांट में। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से मिल्क कलेक्शन सेंटर से चिलिंग सेंटर तक जाने में जो कॉस्ट होगा वो बच गया और टाइम बच गया, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट डेयरी प्लांट में जा रहा है और वहाँ पे एक खाली करता चिलिंग सेंटर पे और फिर चिलिंग सेंटर से फिर से लोड करता और फिर से खाली करता, तो ये डबल मेहनत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर सेविंग भी हो जाता है, टाइम भी सेविंग हो जाता है। नेक्स्ट है ओवरऑल सेविंग इन डिटर्जेंट। इसके साथ साथ जब धुलाई की बारी होती है, कैन का धुलाई या फिर टैंकर का धुलाई होता है, वहाँ पे टैंकर में सेविंग होता है, क्योंकि कैन के धुलाई होता है बहुत ही मतलब एक कैन से काम नहीं चलेगा, 10,000-20,000 लीटर में बहुत सारे कैंस हो जाएंगे, तो उसमें डिटर्जेंट जो लगेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा। और टैंकर में क्या है कि एक बार मतलब डिटर्जेंट मिक्स कर दिया लिमिट अमाउंट में और पूरे धो दिए तो वहाँ पे मतलब डिटर्जेंट का सेविंग हो जाता है। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सब हेडिंग पढ़ेंगे। हेड लोड। हेड लोड का मतलब क्या हो गया, हेड लोड का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ को हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं, क्या कि माथा पे उठाएं और 1 से 2 किलोमीटर लेके चले गए। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोल देते हैं, हेड लोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जनरली प्रोड्यूसर कैरी मिल ऑन देयर हेड टू नियर बाय कलेक्शन चिलिंग प्रोसेसिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क जो का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है स्मॉल अमाउंट में तो वो क्या करते हैं, घर से जहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर पे या फिर चिलिंग सेंटर अगर कम दूरी रहा तो वो अपने माथे पे मतलब कैंस कैंस में या फिर जो भी उनके पास में मेटल अवेलेबल हो उसमें मिल्क कलेक्ट करते हैं और माथा पे लेकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन विलेज टू कैरी अ स्मॉल क्वांटिटी। और ये ज़्यादातर गांव के लोगों करते हैं जो 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक अपने माथा पर लेकर कैरी कर सकते हैं। और अगर हिली रीजन के बात करें तो वो 3 से लेकर 8 किलोमीटर तक इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शोल्डर रिंग। यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिली एरियाज वेयर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इजिली अवेलेबल। शोल्डर रिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कमंडल जानते हो जिसमें मतलब हाथ से लटका कर मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाते हैं या फिर मतलब डायरेक्ट मिल्क फार्मर के पास हम लोग कैन लेकर जाते हैं ना हाथ में लटका कर, वो शोल्डर रिंग होते हैं। उसी प्रकार का मतलब टांगने वाले क्या होते हैं, शोल्डर पे हम टांग लेते हैं उस तरीके से, जैसे ईंट के भट्टे पर ईंट के चिमनी पर गया होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी के आगे पीछे वो तराजू की तरह लटका देते हैं और तराजू की तरह लटकाने के बाद उस पर ईंट रखते हैं और मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। इसी तरीके से हिली एरियाज में क्या करते हैं, शोल्डर रिंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि वो किसी मतलब लकड़ी में आगे पीछे बांध लेते हैं और नीचे मतलब सिक्के मतलब बाइंडिंग कर देते हैं थ्रेड से, उसके बाद उस पर रख देते हैं कैटल या फिर जो भी मतलब मेटल हुआ है जिसमें मिल्क भरा हुआ हो उसको रखकर अपने कंधे पे लेते हैं, दोनों कंधे पे, और मतलब जहाँ चिलिंग सेंटर या फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है बल्क कार्ट। इन विलेज वेयर नो रोड एग्जिस्ट इन रियल सेंस बल्क कार्ट इज यूज टू कैरी मिल्क इफ क्वान्टिटी इज मोर 400 लीटर एंड डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड विद इन 2 to 2 hours इट इज वेरी स्लो मूविंग व्हीकल्स। बल्क कार्ट आप ऐसे समझ सकते हो, बैलगाड़ी समझते हो, उसी प्रकार का जो बल्क कार्ट होता है या फिर ऐसे आगे 2 चक्का लगा हो और पीछे मतलब खड़ा करने वाला हो स्टैंड लगा होगा उस तरीके से बल्क कार्ट होता है या फिर बैलगाड़ी आप समझ सकते हो।
जहाँ पे रोड अवेलेबल नहीं होता है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है, ताकि वो अपने मिल को स्मॉल अमाउंट से लेकर 400 लीटर तक अपने दो या दो से कम दो घंटे से या फिर 2 घंटे से कम आवर में वो कलेक्शन सेंटर पे या फिर चिलिंग सेंटर पे पहुंचा सके अपने दूध को। और ये जो बल्क कार्ट है ना, ये बहुत ही स्लो मूविंग व्हीकल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बाइसाइकिल या हेड लोड शोल्डरिंग। बल्क कार्ट के बाद क्या आ जाता है? बाइसाइकिल, यानी कि ऊपर तीन चीजें से अगर मतलब हमारा देश आगे विकास कर चुका है तो वो फिर आ जाता है बाइसाइकिल। यानी कि अगर मतलब 20 साल पहले चले जाओ तो हम लोग में ट्रेंड क्या होता है था, अपन के सोसाइटी में ट्रेंड क्या हो जाता है कि जब शादी होते थे, ये इंटरेस्टिंग बात है कि शादी होते थे क्या मिलता था, जो दूल्हे होते हैं उनको गिफ्ट किया जाता था साइकिल, और सारा जो काम होता था वो बाईसाइकिल से ही काम होता था। उससे पहले बलक कार्ट चलता था, यानी कि जो बैलगाड़ी चलता था, ठीक है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते जाते हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो सिस्टम चेंज होते जाता है। तो बाईसाइकिल में क्या होता था, साइकिल्स आर कॉमनली एंड कन्वेंशनली यूज टू कैरी मिल्क टू द कलेक्शन सेंटर पिकअप पॉइंट्स एंड चिलिंग प्रोसेसिंग पॉइंट। यानी कि दूध को मतलब पहुंचाना होता था वो बाइसाइकिल के यूज करके कलेक्शन सेंटर पे, या फिर जहाँ पे दूध का कलेक्ट करके वो पिकअप करते थे डेयरी प्लांट वाले, या फिर चिलिंग सेंटर तक पहुँचाने में यूज करते थे। इससे क्या होता था कि मतलब अपन चले भी गए हैं, हमारा कोई कॉस्ट भी नहीं लगा, ना ज़्यादा कोई परेशानियाँ होती थी, आराम से बिंदास होके किसी भी पुराने पुराने जमाने के गायक का गाने याद कर लिया, उसको गाते गाते लोग पहुंचा देते थे। नेक्स्ट आ जाता है मोटरसाइकिल। अगर साइकिल के बाद फिर अपग्रेड हुआ अपना जमाना, तो क्या आ गया? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कैन बी टेकन टू द कवर मोर देन 1.5 किलोमीटर एंड कैरी मोर देन 100 लीटर ऑफ मिल्क इन वेरी शॉर्ट टर्म। अरे मतलब कम समय में 15 मिनट, 10 मिनट या फिर 40-45, 1 घंटा 2 घंटा के रास्ता है, तो उसको मतलब कवर करने के लिए 1-1.5 किलोमीटर पहुंचाने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल से, या फिर 5-10 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि कितना किलोमीटर है हमारा कलेक्शन सेंटर या फिर चिलिंग सेंटर या डेयरी मिल्क है प्लांट, डेयरी मिल्क प्लांट कहाँ पे है, तो वो डिपेंड करता है। इससे क्या होता है कि हम शॉर्ट टाइम में मोटरसाइकिल से वहां तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर ट्रक। अगर मोटरसाइकिल से भी मतलब ये अपग्रेड हो गया तो मोटर ट्रक आते हैं। अब तो मतलब मैजिक वगैरह छोटे छोटे ट्रक भी आने लगे हैं, जिसपे मतलब इंसुलेटेड टैंक लगा देते हैं और वो डायरेक्ट मिल्क कलेक्शन सेंटर पे चला जाता है, या फिर मतलब मिल्क फार्मर है वो कलेक्शन सेंटर पे आते हैं और उस कैन में मतलब मेजर करके डायरेक्ट दे देते हैं। और ये जो मोटर ट्रक है ये करीब 0.5 से लेकर 3.5 टन तक कैरी कर सकता है दूध, और ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक रेंज कवर कर सकता है। आखिरी पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सब टॉपिक, रेल टैंकर। इंसुलेटेड एंड रेफ्रिजरेटेड स्टेनलेस स्टील टैंक माउंटेड ऑन द रेल ट्रैक ऑफ द कैपेसिटी इन द रेंज ऑफ 10,000 to 50,000 liter टू ट्रांसपोर्ट मिल्क फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस 500 to 3,000 किलोमीटर और मोर। यानी कि रेल टैंकर है वो मतलब इतने आसानी से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं अगर मिल्क फार्मर है, या फिर कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करना है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो रेल टैंकर हम तभी यूज करेंगे जब हमको 500 से लेकर 3,000 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। रेल टैंकर जो होता है वो मतलब उसमें मतलब इंसुलेटेड और रेफ्रिजरेटेड स्टेनलेस स्टील वाला टैंक वहां पे लगा दिया जाता है, और उस टैंक में 10,000 लीटर से 50,000 लीटर तक मिल्क को डाल देते हैं, उसके बाद मतलब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।